हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फेनेल सीड्स यानी सौंफ खाने के बहुत सारे अद्भुत फायदे के बारे में। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि सौंफ खाने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को सौंफ खाने का सही तरीका पता नहीं होता है, जिसके वजह से उनको जितने लाभ मिलने चाहिए, जितने फायदे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, और कभी कभी सही तरीके से प्रयोग नहीं करने पर आपको नुकसान भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि सौंफ खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, किस किस तरीके से आपको प्रयोग करना चाहिए और किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए सौंफ का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर सबसे पहले मैं आपको सौंफ के में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सौंफ में आपको विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के अलावा जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने का काम करते हैं। और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सौंफ खाने के क्या क्या फायदे होते हैं और इनका प्रयोग किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, सौंफ का हम अधिकतर प्रयोग माउथ फ्रेशनर यानी कि मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए करते हैं और अपच की समस्या को दूर करने के लिए करते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद हम इसका प्रयोग ज्यादातर करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आप रेस्टोरेंट या होटल्स में खाने के लिए जाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको सौंफ के साथ मिश्री या चीनी दिया जाता है, क्योंकि ये खाने को पचाने का काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी भी तरीके की मुंह से दुर्गंध आ रही हो और आप उससे परेशान हो चुके हैं, तो सौंफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, रामबाण इलाज की तरह काम करता है। इसके लिए आपको इसका प्रयोग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए सोने से पहले आपको एक चम्मच सौंफ जरूर खाना है। इससे आपको मुंह की बदबू आने की जो समस्या है बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप रोज दिन में 3 से 4 बार चबा चबा कर सौंफ को खा सकते हैं। इससे भी आपको मुंह की बदबू आने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करूं तो सौंफ जो है आपके अपच, गैस और एसिडिटी में बहुत ही आराम पहुंचाती है। जिन लोग को हमेशा एसिडिटी, गैस की समस्या बनी रहती है या पेट में अपच हो जाता है खाना खाने के बाद, तैलीय भोजन करने के बाद, या किसी भी तरीके से पेट में अपच की समस्या हो गई है, तो उसमें ये काफी फायदा करता है। इसके लिए आपको सौंफ और एक चम्मच मिश्री मिलाकर 7 दिन रोजाना खाना खाने के बाद खाना है। इससे अपच, गैस और एसिडिटी तीनों समस्याएं ठीक हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि 7 दिन ही आपको प्रयोग करना है, आप चाहें तो हमेशा खाना खाने के बाद अगर इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके नेक्स्ट बेनिफिट है कि सौंफ जो है पौरुष शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। जिन पुरुषों में अंदरूनी कमजोरी है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच सौंफ और मिश्री के पाउडर को डालकर रोजाना 7 दिन तक रात को सोने से पहले पीना है। इससे पुरुषों में सारी कमजोरी दूर हो जाती है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है फ्रेंड्स कि सौंफ जो है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, तो आपको यहाँ पे एक मेंबर के लिए एक टैंक की बात बता रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ और 2 बादाम और स्वादानुसार आपको धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना है। आप इसे ज्यादा मात्रा में भी बनाकर एक एयर टाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक चम्मच सौंफ, 2 बादाम और धागे वाली मिश्री स्वादानुसार ले लेना है। इसे पीसकर आपको पाउडर बना लेना है और रोजाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच इस पाउडर को दूध के साथ सेवन करना है, यानी कि दूध में डालकर करना है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये रामबाण इलाज की तरह काम करता है, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप इसका डेली प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोग जो चश्मा का प्रयोग करते हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो चश्मे का प्रयोग नहीं करते हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी और आंखों से जुड़ी जो भी समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है फ्रेंड्स कि सौंफ जो है वो आपके वजन को बहुत ही तेजी से कम करता है, यानी कि मोटापा की समस्या से जो लोग परेशान हैं, अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है।
इसके लिए आपको सौंफ के पानी का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ को डाल देना है और अगले दिन सुबह में आपको चाहे तो इसे हल्का गुनगुना करके या वैसे भी सौंफ को छान लेना है और सौंफ को चबा चबा कर खा लेना है और इसके एक गिलास पानी को आपको डेली सुबह में खाली पेट प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, ये जो सौंफ का पानी है एक डिटॉक्स वाटर की तरह काम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इस पानी का नियमित तौर पर सेवन करने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इससे आपका वजन बहुत ही तेजी से घटता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जिससे आपके वजन को घटाने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा ये जो है आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है और आपको दिन भर डिटॉक्स करता है यानी कि दिन भर एनर्जी से भरे रहते हैं अगर आप सौंफ के पानी का प्रयोग करते हैं तो। इसके अलावा आप सौंफ की चाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ का चाय बनाने के लिए आपको एक चम्मच सौंफ ले लेना है और यहाँ पे आपको एक कप पानी या दो कप पानी ले सकते हैं आप और इसमें डाल देना एक चम्मच सौंफ को और इसमें स्वाद के अनुसार आपको छोटा सा एक आधी इंच के करीब में अदरक का टुकड़ा ले लेना है और आधा छोटा चम्मच जो है आपको काली मिर्च पाउडर ले लेना है। इन दोनों को आपको डाल देना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि जो पानी है एक कप ना बच जाए, यानी कि अगर आपने दो कप लिया है तो एक कप जब पानी बच जाएगा तब इस पानी को छान लेना है और इस सौंफ का चाय तैयार है। सेम इसी तरीके से सौंफ के चाय का प्रयोग आपको डेली सुबह में खाली पेट करना है। इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा और आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या में भी काफी राहत मिलेगी। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि सौंफ जो है आपके सिर दर्द में बहुत ही आराम पहुंचाता है। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है या सिर में हमेशा दर्द होते रहता है या तनाव स्ट्रेस है अगर आपको, तो आप सौंफ का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको एक चम्मच सौंफ को पानी के साथ पीसकर माथे पर लगाना है। इससे सिर दर्द में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और सिर दर्द ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि सौंफ की तासीर जो है ठंडी होती है, इसलिए अगर आप सौंफ को पीसकर और इसका प्रयोग सिर पर लगाकर करते हैं तो इससे आपको सिर दर्द में काफी आराम मिलता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, यानी कि जिनको नींद न आने की समस्या होती है, उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए एक कप पानी में एक चम्मच सौंफ को डालकर इसको उबालकर काढ़ा बनाना है और उसमें एक चुटकी नमक मिलाना है और 7 दिन रोजाना रात को सोने से पहले पीना है। इससे नींद न आने की समस्या ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है कि सौंफ खाने के क्या क्या फायदे होते हैं और किन किन बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं सौंफ का प्रयोग करके। साथ ही मैंने आपको यहाँ पे पूरे डिटेल से बताया है कि आपको सौंफ का प्रयोग किस किस तरीके से करना है, यानी कि इसका सही तरीका क्या होता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसका प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो आप इस तरीके से सौंफ का प्रयोग कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और आपके शरीर के कई सारे रोग दूर हो जाएंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।